हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार, आप तमाम व्यूअर्स का इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं ओ ए ओ ई ओ आई मिक्स्ड वाउल्स के विभिन्न उच्चारणों को। यहां पर देखिए ओ ए ओ ई ओ आई ये तीन मिक्स्ड वाउल्स है जो इस वीडियो के अंतर्गत मैं कवर करने का प्रयास किया हूँ। ओ ए में दो वाउल साउंड है, उसी तरह ओ ई में भी और ओ आई में भी। तो यहाँ पर देखिए सभी वर्ड्स में खास स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है, एक अलग आइडेंटिफिकेशन होता है, उसका अलग से यूसेज होता है। तो सभी वर्ड्स अलग अलग उच्चरित भी होते हैं, सभी वर्ड्स को अलग अलग तरीकों से पढ़ा भी जाता है। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप अधिक से अधिक शब्दों का अध्ययन करें, ताकि आपका जो रीडिंग स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है और राइटिंग स्किल है वह सुधर जाए और आप भी विशुद्ध प्रोनाउंसिएशन करना सीख जाएं। तो आज हम बात कर रहे हैं ओ ए ओ ई और ओ आई पर। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग इस लेसन को स्टार्टअप करते हैं। यहां पर देखिए ओ ए का उच्चारण खास तरह से होता है, वह होता है ओ। मुख्य रूप से ओ ही ओ ए का उच्चारण है, लेकिन कभी कभी ओ ए का उच्चारण ओ भी होता है, ओ। यहाँ पर देखिए इस चिन्ह के विषय में मैं हर एक वीडियो में आपको इत्तला कर देता हूँ कि इसे अर्ध दंडाकार ओ कहा जाता है, अर्थात ये संक्षिप्त ओ है, या जिसे कर सकते हैं अर्ध ओ, आधा ओ, ये है। तो यहाँ पर देखिए ओ ओ, यहाँ पर ओ का शॉर्ट उच्चारण देता है। तो ओ ए का उच्चारण कभी ओ और कभी ओ होता है, उसी तरह ओ ए का उच्चारण ओ होता है, यह बिरले ही शब्दों में दिखाई देता है। और ओ आई को ओ आई पढ़ा जाता है, और इसका मुख्य रूप से ओई ही उच्चारण होता है, लेकिन कुछ ऐसा भी ओ आई का कम्बिनेशन वाला वर्ड्स है जिसका उच्चारण वो होता है, वो वो। अब देखिए यहाँ पर चलते हैं ओ ए का जो ओ उच्चारण है, इन तमाम शब्दों में इसे देखते हैं। इसे आप पढ़ेंगे बोस्ट 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 बोस्ट, इसे रोस्ट रोस्ट, इसे कोस्ट कोस्ट, इसे टोस्ट टोस्ट, इसे गॉट गॉट, बोट बोट, कोट कोट, ग्लोट ग्लोट, कोल कोल, गोल गोल, लोड लोड, गोड गोड, टोड टोड, इसे भी फोम फोम फोम, रोम रोम रोम, कोच कोच, और इसे रोज रोज। तो यहाँ पर देखिए इस सभी शब्दों में हम ओए का उच्चारण ओ किए। अब वही ओए का उच्चारण ओ इन शब्दों में हुआ है, इसे भी देखें। इसे पढ़ेंगे रोर रोर, बोर होर्ड होर्ड,
सॉरी से होर्ड्स, होर्ड्स, हॉर्स नहीं पढ़िएगा, हॉर्स और इसे होर्ड्स, ये दोनों में डिफ्रेंशिएशन है। अब देखिए ओ और ई, ओ ई बहुत कम शब्दों में प्रयुक्त होते हैं, इनमें से कुछ शब्द यहाँ पर लिखे हैं। इसे एच ओ ई होई बहुत सारे पढ़ते हैं विद्यार्थी, टोई वोई इसे वो जानते हैं इसीलिए शू पढ़ते हैं, लेकिन इसे आप कहेंगे पढ़ने के लिए तो इसे वो पढ़ेंगे केनोई, केनोई, लेकिन ऐसा गलत है, ऐसा शुद्ध उच्चारण नहीं है, इसे पढ़ना पड़ेगा हमको हो, हो, हो। उसी तरह टू और वो, इसे शू और इसे खनू, खनू, हो टो वो शू और खनू, खनू, हो टो वो शू और खनू। हो मीन्स होता है कुदाली, जिसे हम लोग कुदाल कहते हैं, कुदाली। टो मीन्स होता है पैर की उंगलियां, और वो मीन्स होता है दुख या व्यथा, और शू मीन्स जानते हैं जूता, और क्नू मीन्स होता है डोंगी, अर्थात लंबी और पतली नौका, नाव, सॉरी नाव को हम लोग कहते हैं क्नू। अब ओ आई, ओ आई का उच्चारण ओई, ओई होता है, जिसे हम लोग फनेटिक स्क्रिप्ट में ऐसे लिखते हैं, जैसे आप बी ओ वाई लीजिए, इसमें जो है ओई फनेटिक स्क्रिप्ट है, बॉय, बॉय। यहाँ पर भी उसी तरह सभी शब्दों में उच्चारण होगा, अवॉइड, अवॉइड, डिवॉइड, डिवॉइड, डिवॉइड। उसी तरह बॉइल, बॉइल, कॉइल, कॉइल, टॉइल, ब्रॉइल, ब्रॉइल, टर्मोइल, टर्मोइल, पॉइंट, पॉइंट, जॉइंट, जॉइंट, होइस्ट, होइस्ट, मॉइस्ट, मॉइस्ट, पॉइजन, पॉइजन। यहाँ पर देख लिए आपके ओ आई का उच्चारण हम प्रत्येक शब्द में ओई के भांति किए हैं। अब देखिए ओ आई का एक विचित्र उच्चारण व, व भी होता है। इन तीन शब्दों में देखिए, इसे अधिकांश विद्यार्थीगण मेमोयर्ड्स पढ़ते हैं, या रेपर्टोयरी पढ़ते हैं, या रिजर्वायर पढ़ते हैं, तो ये गलत है प्रोनाउंसिएशन। और इसका जो शुद्ध उच्चारण होगा वह होगा, जैसे इसे पढ़ेंगे हम मेमवॉर्ड्स, मेमवॉर्ड्स मीन्स होता है आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, मेमवॉर्ड्स। इसे पढ़ेंगे रेपर्टुअर, 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 और इसे पढ़ेंगे हम रिजर्वर, रिजर्वर, रिजर्वर। अब देखिए मेमोर्स मतलब आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी होता है। रेपर्टुअर, रेपर्टुअर मीन्स होता है खजाना या भंडार या संग्रह, और रिजर्वर मीन्स होता है जलाशय या कुंड या हौज जिसे कहते हैं। तो ये आपका ओ ए, ओ ई, ओ आई जो मिक्स्ड वाउल्स है का प्रयोग देखें। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए हो तो इसे लाइक करें,
अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। साथ ही अब मेरे इस YouTube चैनल लर्न विथ वी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद। And no one ever would have dared to tread on